हेलो एवरीवन, आई एम हेयर विद द टॉपिक ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल. क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल मतलब वेरिएबल जो है आपके पास, उसके मतलब डिग्री कितनी होनी चाहिए, आपके पास 2 डिग्री होनी चाहिए. जब हमने क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल को इक्वेट कर दिया 0 के साथ, वो बन जाएगी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डेफिनेशन है आपके पास, When we equate the quadratic polynomial with 0 is known as a quadratic equation. आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है. स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0. बिकॉज अगर ए की वैल्यू आपने 0 कर दी तो एक्स रेस टू पावर क्या हो जाएगी आपके पास? 0 हो जाएगी. तो वेरिएबल की पावर मतलब अगर डिग्री 0 हो गई, एक्स की पावर 2 0 हो गई, तो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगी. ठीक है ना? तो यहाँ पे कंडीशन है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0. एंड जबकि ए बी सी है, ये आपके पास रियल नंबर्स होते हैं, मतलब कोई ना कोई वैल्यू होगी, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, डज नॉट मैटर. ठीक है? तो आपके पास मतलब वेरिएबल, अब वेरिएबल यहाँ पे हमने एक्स लिया है, आप वेरिएबल कोई भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे, चाहे वाई ले लीजिए, चाहे जेड ले लीजिए, चाहे आर ले लीजिए, चाहे एस ले लीजिए, एनी वेरिएबल, एनी अल्फाबेट्स वेरिएबल्स. ठीक है? अब हमने क्या करना है कि ये इक्वेशन दी हुई है, अब हमें नहीं पता कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक नहीं है, हमने इसको चेक करना है. तो क्वेश्चन है आपके पास, चेक वेदर द फॉलोइंग इक्वेशंस आर क्वाड्रेटिक और नॉट. ठीक है? अब देखिए यहाँ पे x प्लस 1 होल रेज टू पावर 2 इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट x माइनस 3. यहाँ पे देखिए आप a प्लस b होल रेज टू पावर 2 ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. देखिए यहां पे एक्स रेस टू पावर 2 प्लस 1 रेस टू पावर 2 प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1 इक्वल टू, अब यहां पे भी ब्रैकेट ओपन कर देंगे, 2 को हमने x से मल्टीप्लाई किया, प्लस इंटू माइनस 2 3 जा 6. अब देखिए एक्स रेस टू पावर 2 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 प्लस, हमने पहले रियल मतलब नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू 1 और फिर हमने क्या किया, एक वेरिएबल के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दिया, ये आया 2x माइनस 6. अब हमारे पास राइट हैंड साइड, दिस वन इज अ लेफ्ट हैंड साइड एंड दिस वन इज अ राइट हैंड साइड. जो राइट हैंड साइड में नंबर्स या वेरिएबल्स या जो भी लगा है आपके साथ, उनको हमने लेफ्ट हैंड साइड में लेके आना है विद द चेंज ऑफ साइन. इनके साइन हम लोगों ने चेंज करने हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x एंड प्लस 6 इक्वल टू क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 लिख देंगे. कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे 0 हम लोगों ने इक्वेट कर दिया है. अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x एंड माइनस 2x, यहाँ पे वेरिएबल x है, उसका कोफिशियंट कितना है, सेम है, और साइन आपके पास डिफरेंट है, तो इसमें क्या कर दिया, इसको कट कर दिया. एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6 कितना बन गया, 7 इक्वल टू 0. ठीक है? अब देखिए यहां पे वेरिएबल एक्स स्क्वायर की मतलब x की पावर कितनी है, 2 है, और इसका कोफिशियंट कितना है आपके पास, कुछ भी नहीं लिखा है तो इसका कोफिशियंट कितना आएगा, 1 आएगा. और यहां पे देखो x वेरिएबल की वैल्यू मिस हो गई, क्योंकि हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है आपके पास, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0. अब देखो a की जगह 1 है आपके पास एंड वी एक्स यहाँ पे नहीं शो हो रही है, तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है वो कितनी है, यहाँ पे 0 है. आप इसको और फॉर्म में लिख सकते हैं, यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 2 प्लस 0x प्लस 7 इक्वल टू 0. अब देखिए विच इज अ फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बन गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में. अब हम एक एग्जांपल और लेंगे. देखिए अब हमने इस टाइप का एग्जांपल लिया है, अब इसको भी हमने प्रूव करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है.
आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स को हमने पहले एक्स से मल्टीप्लाई किया इस फॉर्म में, एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर, अगेन एक्स को हम लोगों ने किससे किया मल्टीप्लाई, वन के साथ, प्लस वन इंटू एक्स, एक्स आ गया, टू को हमने एक्स से किया विद साइन माइनस टू एक्स, एंड टू को हम लोगों ने वन के साथ किया माइनस टू वन जा टू। यहां पे भी ऐसे आइडेंटिटी यूज करेंगे, एक्स को एक्स से कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स माइनस एक्स एंड माइनस थ्री वन जा थ्री। अब हमने जो सेम वेरिएबल्स हैं उनके हमने टर्म्स को हमने अकॉर्डिंग टू साइन एड या सब्ट्रैक्ट कर लेना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, बिकॉज प्लस के वन माइनस के टू, साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा यहां पे, माइनस टू इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री माइनस वन एक्स, कितना आएगा आपके पास, प्लस टू एक्स माइनस थ्री। अब हमने क्या करना है, इन टर्म्स को लेफ्ट साइड मतलब एक साइड में कर लेके आना है इनको विद द चेंज ऑफ साइन, माइनस टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। ठीक है, आप देखो यहां पे प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर कैंसिल, एंड माइनस एक्स माइनस टू एक्स कितना बन जाएगा आपके पास यहां पे, माइनस थ्री एक्स माइनस टू प्लस थ्री क्या बन जाएगा आपके पास, प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखिए ये किस फॉर्म में बनी, यहां पे जो वेरिएबल है उसकी पावर कितनी है, वन है, हमें कितनी पावर चाहिए थी, टू पावर चाहिए थी। देखिए यहां पे और जीरो एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। अब देखो यहां पे ए कितना आ गया आपके पास, जीरो, ए की वैल्यू जीरो आ गई, तो ये जीरो को जब हम एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई की तो कितना आएगा, जीरो आएगा आपके पास, विच इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिकॉज A इज इक्वल टू जीरो। अब A की वैल्यू कितनी है यहां पे, जीरो है, तो ये आपके पास कौन सी बन गई है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की फॉर्म में नहीं है। तो मतलब इस वजह से हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी टाइप की इक्वेशन जो है उसको हमने मतलब मैं सॉल्व करके हमने देखना है कि वो आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रही है कि नहीं बन रही है। नेक्स्ट में देखेंगे आप लोग। अब हमारे पास यहां पे सामने दिख रही है कि आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब इसके हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। अब जाहिर सी बात है जितनी हाईएस्ट पावर होगी एक्स की उतने ही आपके पास रूट्स निकलेंगे, तो यहाँ पे एक्स की पावर कितनी है, टू है, तो आपके पास एक्स की वैल्यूज कितनी निकलेंगी, टू वैल्यूज निकलेंगी। अब बोला कि है हमारे पास फाइंड द रूट्स ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन। ठीक है, आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस थ्री एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। हम लोगों ने यहां पे वन थिंग इज क्लियर, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करके देखना है कि आपके पास क्या बनता है, माइनस टेन एक्स स्क्वायर। अब माइनस टेन एक्स स्क्वायर इसके पॉसिबल फैक्टर क्या क्या बनेंगे आपके, ठीक है, और हमें क्या चाहिए यहां पे, वन मतलब वन एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स, ये बनेगा आपके पास, ठीक है, एंड टेन एक्स मल्टीप्लाई वन एक्स टू एक्स मल्टीप्लाई फाइव एक्स, फाइव एक्स मल्टीप्लाई टू एक्स। अब हमें साइन कौन सा चाहिए, माइनस का, तो इसमें एक जो होगी टर्म आपके पास किस साइन की होगी, माइनस के साइन की होगी, तो हम लोग यहां पे माइनस 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 लगा दिया। अब हमने देखना कि हमें कौन सा इसमें माइनस के थ्री एक्स, हमें कौन सी मतलब फैक्टर चाहिए जो हमारे पास यहां पे इनका एडिशन या सब्ट्रैक्शन करके हमारे पास कितना बन जाए, माइनस के थ्री एक्स बने,
तो माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स, जब इनको हमने माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स करेंगे तो आपके पास बनेगा माइनस थ्री एक्स। तो आपके पास कौन से फैक्टर बनेंगे? ये वाले फैक्टर आप लोगों ने यहां पे यूज करने हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस टू एक्स माइनस टेन इक्वल टू जीरो। यहां पे देखिए एक्स, और यहां पे भी फाइव के साथ एक्स लगा हुआ है, तो हमने एक्स हमसे वहां ले लेंगे कॉमन, एक्स माइनस फाइव प्लस। अब देखिए यहां पे जो हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में बन रहा है वही हमने सेकंड ब्रैकेट में भी बनाना है। तो टू यहां से देखो, टू यहां पे है, टू मतलब यहां पे है, और टेन में भी टू का मतलब मल्टीपल्स है आपके पास, तो यहां से भी टू हम कॉमन ले लेंगे, एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। अब देखो एक्स माइनस फाइव, एक्स माइनस फाइव टेक कॉमन, एंड यहां पे बचा एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। अब देखिए एक्स माइनस फाइव एंड सेकेंड ब्रैकेट में आपके पास एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, आइदर एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहां से देखिए आपके पास विद मतलब माइनस साइन है आपके साथ एक्स के साथ मतलब फाइव के साथ, और यहां पे जब इसको राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये साइन क्या हो जाएगा आपके पास चेंज हो जाएगा, मतलब एक्स इक्वल टू फाइव और एक्स इक्वल टू जीरो, प्लस के टू थे राइट साइड में जाके माइनस के टू हो जाएंगे, एंड जीरो माइनस टू कितना आएगा आपके पास टू। तो आपके पास बने रूट्स, मतलब कितनी आई एक्स इक्वल टू फाइव एंड एक्स इक्वल टू माइनस टू, देयरफॉर द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर फाइव कॉमा माइनस टू। तो आप लोगों ने वाई यूजिंग फैक्टराइजेशन